ये मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नंद नगरी का है, जहां पर 28 साल के मनीष उर्फ राहुल की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। राहुल का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने छेड़खानी का विरोध किया था। वारदात के बाद मनीष का परिवार बहुत बेहाल है, वहां मातम पसरा हुआ है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर वाले सलमान और अरबाज के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नंद नगरी इलाके के एच ब्लॉक पार्क में शुक्रवार की रात करीब 9 बजे सलमान और अरबाज एक लड़की को परेशान कर रहे थे, तभी मनीष वहां पर पहुंच गया। उसने सलमान और अरबाज इन दोनों भाइयों को डांटा और फिर वो वहां से जाने के लिए भी कहा। उसके कुछ ही देर के बाद आरोपी सलमान और अरबाज वापस आए और मनीष पर चाकू से उसकी गर्दन पर डायरेक्ट हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राहुल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस वक्त हम दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में मौजूद है, जहां पर मनीष उर्फ राहुल की हत्या कर दी गई। राहुल जो था वो एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही थी अरबाज और सलमान के द्वारा, उनको बचाने के लिए गया था, लेकिन अरबाज और सलमान पर आरोप है कि उन्होंने राहुल को चाकुओं से यानी कि धारदार हथियार से गोदकर उसकी हत्या कर दी। उनके परिवार में मातम का माहौल है, हर कोई यहां पर गमजदा है, माताजी का रोकर बहुत बुरा हाल है। और जो लोग हैं वो अब ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से मनीष उर्फ राहुल को मारा गया है, उसी तरह से उन लोगों को भी फांसी दी जाए जिन्होंने अरबाज और सलमान को फांसी दी जाए। ये तमाम जो मांग है वो घर वाले कर रहे हैं। ये बताए माताजी, क्या आपको जानकारी मिली थी राहुल कहाँ गया था, क्या कुछ बताया था उस वक्त? नहीं, मेरे को इधर गया पार्क में, उधर ही बस मार दिया है। वो आया भागता भागता ऐसे पकड़ते भरते खून मुंह में से है, कान में से है। अच्छा, या पकड़ा है ना बच्चों ने, सब जब जीटी भी लेके गए, बस हमने कुछ नहीं देखा। जब वो यहाँ भाग के आया आपके पास तो खून चल रहा था? हाँ, खून चल रहे थे उसके, खून चल रहे थे। वो रिक्शा में डाल के ले गए, फिर बाहर के बच्चे, गली के बच्चे सारे। उसके बाद फिर मैंने मिली, फिर बेटा से मैं तो घर ही रही, बच्चे खिलाड़ी वाके छोटे छोटे बच्चे हैं वाके। राहुल की दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का, 3 महीने का लड़का है, 3 साल की लड़की है उसकी। आप क्या चाहती है? जो इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, बता रहे हमें बेटा गया है ना, ऐसी जो वो भी जानी चाहिए, बस मेरे को फांसी चाहिए उनकी। जैसे मेरा बेटा का बच्चा ने छोड़ गया, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, बोलो सब, बोलो तो बोलो, फांसी चाहिए, फांसी, इंसाफ चाहिए मेरे पास। जैसे बच्चा ने छोड़ गया, में मातम है, और जाहिर सी बात है कि इस तरह की यहाँ पर स्थिति है और इस तरह के हालात है। और यकीनन ये परिवार अब ये मांग कर रहा है कि जो आरोपी है सलमान और अरबाज, उनको फांसी की सजा दी जाए। मनीष के परिवार वाले आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि सलमान और अरबाज को फांसी की सजा मिले। इंसाफ की मांग को लेकर परिवार के लोग भी सड़क पर उतरे। लोगों का कहना है कि हत्या के लिए सलमान और अरबाज के साथ ही उनके पिता सलीम भी जिम्मेदार हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। मनीष के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस दिन मनीष उर्फ राहुल की हत्या हुई, उसी दिन उनकी बहन का रोका हुआ था, लेकिन परिवार की खुशियां कुछ ही घंटे के अंदर मातम में तब्दील हो गई। अब उनकी बहन भी इंसाफ की मांग कर रही है। जो जानकारी दी गई है पुलिस के द्वारा भी, और जो परिवार के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो चाचा थे मनीष उर्फ राहुल के, किशन, वो एक लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध कर रहे थे, जिस लड़की को सलमान और अरबाज छेड़ रहे थे, ये आरोप है उन पर। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मनीष उर्फ राहुल को पता चलता है कि वो इस तरह की वहां पर घटना हो रही है, घर के पास ही जो पार्क है वहां पर, वो वहां पर पहुंचा, लेकिन उसको चाकू से गोद दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हमें जान का मतलब जान चाहिए भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाप की भी फांसी होनी चाहिए, बाप ने मारा है, खड़े होकर मरवाया हमारे बेटे को, हाँ पिता ने खड़े होकर मरवाया है, मार दो जान से मार दो, फांसी नहीं लेगा, हमें चैन नहीं पड़ेगा, हमारा बच्चा चला गया, हमें चैन नहीं आएगा। फांसियों का मान था राहुल की बहन है,
ये कल रोखा करके गए इसका शादी होनी थी रोखा करे खुशियों का माहौल था। बताया आपके जो भाई जब आए थे क्या जानकारी आपको मिली अचानक से कि वहाँ गए क्या बताया करके आए रिश्तेदार को ये लड़की छेड़ रहे थे वो लड़के जो गिरफ्तार हो चुके हैं लड़की छेड़ रहे थे बीच अब लड़की छेड़ रहे थे बीच में पूछना पड़ेगा क्यों छेड़ रहे हो भाई लड़के क्यों परेशान कर रहे हो तो ऐसे में ही वो हमारे भैया से मेरे भैया कह के उनको वहाँ छोड़ दिया उनको फिर मेरे भाई पार्क में चले गए उनको पार्क में घेर लिया उनको पार्क में चाकू मार दिया उनको हाँ यहाँ से ऐसे आए और वही डेथ उसके बाद अस्पताल हाँ वहाँ से भागते भागते आए फिर वहाँ पर उनको किसी ने वो गाड़ी में नहीं थी रिक्शे में ले गए उनको हाँ जी टीवी दो घंटे के बाद हमें खबर मिल गई थी। कितने भाई बहन हैं? मैं तीन भाई हैं एक बहन हूँ। मेरा रोका हुआ है मेरा भाई चला है। 28 साल के मनीष उर्फ राहुल की पत्नी का हाल बहुत बुरा है। राहुल के दो बच्चे हैं, एक 3 महीने का बेटा है और दूसरा 3 साल की एक बेटी है। घर वालों को अब चिंता सता रही है कि उन दोनों बच्चों का क्या होगा। पत्नी बेसुध हो गई है। हालांकि इससे पहले कल जब राहुल पर चाकू से अटैक किया गया था, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था, तब उनकी पत्नी ने घटना के बारे में बताया था। उनकी पत्नी ने सलमान और अरबाज के पिता का भी नाम लिया था। मैं उनको फोन करती हूँ कि क्या हुआ, कहाँ पर हो, आ जाओ घर पे। तो कह रहे मैं अभी आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। 5 मिनट के बाद फोन आता है कि मेरे सलीम सिलमपुरिया ने मेरे चाकू मार दिए हैं, तू जल्दी से आ जा। इतने में मैं नीचे उतरी आने को ही, तो वो इतने में भागकर आ गए थे। भागकर आए वहाँ से पूरे में खून में पूरे लतपत्ते, बस बार बार यही मेरे से बोले गए कि उसने सलीम सिलमपुरिया ने मारा है। बहुत ज्यादा खून में हो रहे थे, पूरा मेरे भी पूरे दुपट्टा वगैरह सब हो गया था खून में, बहुत ज्यादा हालत खराब। झगड़ा किस बात का, क्या जानकारी? झगड़ा कुछ भी नहीं था, वो उसके ही लड़के, वो सलीम जो है उसके ही लड़के थे, वहाँ पे लड़कियाँ छेड़ रहे थे, मतलब एक लड़की को 2 लड़के छेड़ रहे थे। आपने राहुल की पत्नी का बयान सुना। ये बयान उस वक्त का था जब डॉक्टर्स ने राहुल को मृत घोषित नहीं किया था, उनका उस वक्त इलाज चल रहा था। लेकिन अब राहुल की पत्नी जब पूरी घटना के बारे में बता रही थी, तब से लेकर अब तक की परिस्थिति में बहुत बदलाव आ गया है। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने दोनों आरोपी यानी कि सलमान और अरबाज को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस की जाँच भी जारी है। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनका नाम सलमान जो कि चाय की दुकान चलाता है, और अरबाज वो मजदूरी का काम करता है। मामले की हकीकत जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम उस जगह पर भी पहुंची है जहां राहुल पर चाकू से वार किया गया था, और वहां से भी एक रिपोर्ट आप शोएब की जरूर देखें। दिल्ली के नंद नगरी थाना इलाके के सुंदर नगरी में मनीष उर्फ राहुल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। यही वो पार्क है, रात का समय था। हालांकि उस वक्त 9 बजे के करीब इसी पार्क में जब राहुल आया, उसको खबर मिली कि लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है, तो यहां पर पहुंचा और यहीं पर अरबाज, सलमान और उनके जो पिता है वो भी मौजूद थे। ये आरोप उन पर है और यहां उनकी चाकू से मनीष उर्फ राहुल के गर्दन पर एक तरीके से चाकू मारा गया। और जो राहुल की मां ने हमें बताया, उनकी तरफ से बताया गया कि चाकू लगने के बाद वो भागता हुआ, क्योंकि गर्म घाव था, घर बिल्कुल करीब में है इस पार्क के ही राहुल का, वहां पर पहुंचा और आया कि भाई क्या हुआ था। यही आया कि एक चाकू हमारा, एक मामारा बंदे का, बस इधर दो बार चाकू मारे, ये नहीं पता कि हमने मारे कितने। अच्छा, नहीं, हम यही जानना चाह रहे कि हुआ क्या था, वो अकेला आया था क्या राहुल यहाँ? यहाँ तो पार्क में भीड़ लगी रहती है, कितनी सारी भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी। ऐसी लोग बैठते हैं, बात बात करते हैं। हाँ, बैठे रहते हैं, टाइम जैसा भी जगह ऐसे आ गया, झगड़ा हो जाएगा तो इंसान हर कोई दूर दूर हो जाता है, किसी के झगड़े में नहीं पड़ता कोई भी। गाली गलौज हुई और वो शुरू, पता है गाली गलौज उनकी वहाँ हुई है, कहा हुई है यहाँ पे, वहाँ पे तो पता चला गया, भगदड़ मची है, यहाँ पे चाकू लग गया। चाकू लगकर भी राहुल भाग चला गया है यहाँ से? हाँ, यहाँ से बता रहे हैं, भग गया सीधा घर को, गिरा नहीं है, भग गया बच के। क्योंकि ये हालांकि कोई इस तरह का पार्क ये नहीं है, कुछ जरूर यहाँ पर जो सरकार की तरफ से
एक्सरसाइज के लिए लगाई जाती है मशीनें, वो जरूर लगाई गई है, लेकिन हरियाली नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर बैठते हैं। लोग कह रहे हैं कि हर समय लोग रहते हैं, रात के वक्त भी लोग रहते हैं, और इसी जगह पर राहुल की यहाँ हत्या कर दी गई, चाकू से उनको गोद दिया गया।